वेलकम टू बीटीएस न्यूज, मैं सद्दाम हुसैन, आप देख रहे हैं बीटीएस न्यूज। आइए देखिए आज की ताजा खबर। अगर है टीम होती लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, कोरोना लॉकडाउन 7 महीने के बाद फुटबॉल टूर्नामेंट ने हम तेलंगाना के डायनेमिक लीडर केटीआर साहब के नाम पर फर्स्ट फुटबॉल केटीआर टूर्नामेंट चैंपियन 2020 का मैच लगाए, क्योंकि इस कोरोना के महामारी के वजह से स्पोर्ट्समैन अपना खेल का जो जज्बा थे नहीं बता सके, वो लोग डिसअपॉइंट हो गए थे। वो मद्देनज़र रखते हुए हमारे मन्ना ने कहा, भाई हम स्पोर्ट्स का एक फुटबॉल लगाएंगे, वो तो मैं इमिडिएटली रिस्पॉन्स दे के, फुटबॉल ऐसा खेल है दुनिया में नंबर वन खेल है, क्योंकि हर गरीब से गरीब कंट्री में फुटबॉल खेला जाता, क्योंकि फुटबॉल का नंबर वन वर्ल्ड में टॉप प्लेयर्स भी है, गरीब घरों से ऐसे प्लेयर्स है। इस वजह से फुटबॉल अपनी मेहनत से बनाने वाला खेल है, इस वजह से हम फुटबॉल टूर्नामेंट से पहली बार केटीआर फुटबॉल टूर्नामेंट से लगाए। इंशाल्लाह आगे भी हम क्रिकेट और वॉलीबॉल कबड्डी भी लगाने के लिए हम सोच रहे हैं, इंशाल्लाह इसको सक्सेस करेंगे। और इसका ओपनिंग हमारे वी श्रीनिवासगौड़ मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब ने किए, इंशाल्लाह महमूद अली साहब भी हमको इंकरेज करे। अभी हमारे अमेरिका के शरीफ साहब भी आए, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। जय हिंद, जय तेलंगाना। और फुटबॉल के कल्चर को बिल्ड कर रहे हैं आज बदर साहब, जबकि उनका मेरे ख्याल से फुटबॉल से कोई ताल्लुक नहीं है स्पोर्ट्स से, लेकिन फिर भी आगे बढ़ के हौसला दे जिन लोगों को, नौजवान बच्चों की जी, वो लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और जिन लोगों को बढ़ने वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, इससे हमारे हौसला से बढ़ रही है कि हैदराबाद में कोई ऐसे भी तेलंगाना में शख्सियतें हैं जो जवान बच्चों को, यंग बच्चों को मोबाइल से इससे दूर रख के स्पोर्ट्स की तरफ, तरक्की की तरफ लेके जा रहे हैं। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं, आज मैं फिर से तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ मैं मेरी टीम की तरफ से, कि बदर साहब जो कि TRS के माने हुए लीडर है, अल्लाह उनको तरक्की दे, कामयाबी दे, कैसे कोविड के टाइम पे आगे बढ़ के आके हमारी टीम को सपोर्ट करके, फाइनल तक सपोर्ट करके, अपना कीमती वक्त दे के इस फाइनल मुकाबले को कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, मौसम भी अच्छा है और काफ़ी बारिश की वजह से और कोविड की वजह से सब घर में थे और बच्चों को कोई एक्टिविटी नहीं थी, तो ये एक मौका मिला नौजवानों को कि एक टूर्नामेंट का और फुटबॉल का टूर्नामेंट रखा गया फर्स्ट KTR टूर्नामेंट के नाम से, जिसमें बदरुद्दीन साहब की काफ़ी जस्तजू रही कि उन्होंने ये टूर्नामेंट मन्नांजा की सपोर्ट में ये टूर्नामेंट रखे, और काफ़ी बच्चे काफ़ी एरिया से जो है सब लड़के आके पार्टिसिपेट करें, और ना ही सिर्फ फुटबॉल के नाम से बल्कि KTR के नाम से आए, क्योंकि KTR एक ऐसे लीडर हैं, नौजवानों की धड़कन है वो, तो उन्हीं के नाम से काफ़ी लोग पार्टिसिपेट किए और बड़ा सक्सेस रहा ये प्रोग्राम, और इंशाल्लाह आइंदा भी इस किस्म के प्रोग्राम होते रहेंगे, बच्चों को इनक्रेज होते रहेगा कि स्पोर्ट्स में जो है बच्चे आगे बढ़ते रहें, और फुटबॉल एक ऐसा गेम है जो ना ही सिर्फ इंडिया बल्कि वर्ल्ड के हर कोने कोने में खेला जाता है, क्रिकेट तो ख़ास कंट्रियों में खेला जाता है, लेकिन फुटबॉल एक ही है जो हर कंट्री में खेला जाता है, और सबसे बड़ी बात इंडिया में इसलिए पॉपुलर है कि इसमें कोई ज़्यादा इक्विपमेंट, ज़्यादा ख़र्चा नहीं होता है, बस एक बॉल की ज़रूरत होती है और एक ग्राउंड की ज़रूरत होती है, तो कम खर्चे में ये टूर्नामेंट, और जो है बहुत ही तंदुरुस्त रहना पड़ता है, क्योंकि एक कोने से दूसरे कोने को भागना पड़ता है, तो आपकी एनर्जी लेवल भी अच्छी रहती है। भाई आप इस साइड आइए, इधर आइए, प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर। एक बहुत शुक्रिया।
एक मिनट